वेलकम टू ऑनलाइन क्लास एफजे ग्रामर स्कूल क्लास 2 सब्जेक्ट साइंस। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यस और नो, उसके बाद हम करेंगे पजल। सबसे पहले हम करेंगे यस और नो, ठीक है। यस और नो मतलब सही या गलत। वन दिया हुआ है आपको, पॉइंट नंबर 1, प्लांट दैट ग्रो वेरी टॉल आर कॉल्ड हर्ब्स। मैंने आप लोगों को बताया था दो तरीके के प्लांट्स होते हैं जो छोटे होते हैं, एक हर्ब्स होते हैं और एक श्रब्स होते हैं। और इसमें लिखा है वो प्लांट जो सबसे बड़े होते हैं वो हर्ब्स होते हैं। वो हर्ब्स होते हैं नहीं, वो ट्रीज होती हैं। तो ट्रीज होते हैं इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो। 2 आपके पास दिया हुआ है, ट्रीज हैव हार्ड वुडी स्टेम। ट्रीज जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, और उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो लकड़ी की होती हैं। होती हैं ना ट्रीज की स्टेम्स, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, यस। नंबर 3 जो है आपके पास, मोसेस ग्रो वेरी टॉल। मोसेस जो होते हैं, मैंने आप लोगों को मोसेस भी दिखाए थे जब चैप्टर समझाया था, तो वो बड़े होते हैं नहीं, मोसेस भी जो उगते हैं वो बहुत वो छोटे उगते हैं। तो मोसेस टॉल नहीं होते, इसलिए नो। 4 है, हर्ब्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। हर्ब्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और उनकी ग्रीन हरी स्टेम्स होती हैं, तो ये यस है। 5 है आपके पास, मशरूम गेट देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स। मशरूम जो है वो अपना खाना बनाती है किससे, डेड प्लांट्स से, सही, डेड प्लांट्स से। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस। अब हम करेंगे पजल। क्वेश्चन लिखेंगे, सबसे पहले कंप्लीट द वर्ड लेटर विद द हेल्प ऑफ आर ड्यू गिवन। आप लोगों को ये दी हुई हैं पॉइंट्स, आपने इसको देखते हुए आपने आपको पजल फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये अक्रॉस और डाउन लिख लें, या सबसे पहले आप ये पजल बना लें। पजल बनाने के नीचे आप लोग ये अक्रॉस और डाउन लिख लें, ठीक है। नंबर 1 इसमें देखिए, अक्रॉस और डाउन। 2 आपको दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स नंबर 2, मतलब हम 2 के इसमें शेल में, मतलब हम लोगों ने पॉइंट्स इसलिए आपको दे दिए ताकि आपकी आसानी के लिए हो। प्लांट्स हैव स्मॉल सॉफ्ट वीक स्टेम। प्लांट्स जो है, प्लांट्स हैव सॉफ्ट वीक स्टेम। प्लांट्स जो है उसकी नरम और बिल्कुल नाजुक सी स्टेम्स होती हैं। वो कौन से प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे भी हमने पढ़ा था, हर्ब्स की जो होती हैं वो सॉफ्ट सी होती हैं, सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं, तो वो कौन सा होता है, हर्ब्स होता है। तो नंबर 2 के अंदर हम लिख देंगे हर्ब्स, HERB, क्लियर। नंबर 4 आपको, नंबर 4 पॉइंट दिया हुआ है, प्लांट गेट फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है एक प्लांट जो है वो कौन सा प्लांट है जो अपना खाना बनाता है डेड प्लांट से। तो यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ हमने जब यस और नो किए तो वो कौन सा प्लांट है, मशरूम है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मशरूम, MUSHROOM, मशरूम, क्लियर। नंबर 6 आपके पास है, प्लांट्स ग्रो वेरी टॉल। वो कौन से प्लांट्स होते हैं जो सबसे लंबाई में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, वो कौन से प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। तो नंबर 6 में हम लिख देंगे ट्रीज, TREES। डाउन है, प्लांट डू नॉट ग्रो वेरी टॉल। वो कौन से प्लांट है जो बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, वो कौन से प्लांट्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, SHRUB। इसके बाद प्लांट हैव थ्रोन लाइक लीव्स। प्लांट्स हैं वो कौन से प्लांट होते हैं जिसके अंदर कांटे होते हैं, कौन से प्लांट्स होते हैं वो, कैक्टस, CACTUS, कैक्टस। नंबर 5 है आपके पास, प्लांट्स हैव नो स्टेम। वो कौन सा प्लांट है जिसकी जड़ नहीं होती, स्टेम नहीं होती, वो कौन सा प्लांट है, मोसेस, MOSSES, क्लियर। क्लास 2 आज हमने इतना ही पढ़ा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।